जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। तो आज मैंने एक सर्वे किया था, तो आप लोगों को वोटिंग करने का मौका दिया। मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे छुट्टी देंगे आज, लेकिन दिया नहीं। सबसे ज़्यादा वोट पड़े काल भैरव मंत्र के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए आज काल भैरव का एक मंत्र दे रहा हूँ। ये काल भैरव का मंत्र वो है जिससे महाकाल उज्जैन में भैरव बाबा को मतलब पूजा भी किया जाता है और शराब भी पिलाई जाती है। ये मैं आपको आज इसलिए दे रहा हूँ कि लगभग अब मध्य रात्रि हो गई है, आज षष्ठी समाप्त हो गया, सप्तमी है कल। अष्टमी जो है हर महीने का पूर्णिमा के बाद वाले अष्टमी को हम लोग भैरव अष्टमी मनाते हैं, ठीक है। तो उस दिन भैरव बाबा की अच्छे से पूजा और साधना होनी चाहिए। भैरव बाबा की पूजा में आप लोग अगर भैरव बाबा की तस्वीर रखते हैं तो उनको पूछिए कारण से, कारण लो शराब, अगरू से, उसके बाद गुलाब जल से, उसके बाद इत्र से, उसके बाद पानी से। मूर्ति है तो इन चीज़ों से उनको नहलाना चाहिए। उसके बाद उनको दही बड़े का भोग दीजिए, तली हुई मछली, और साथ में पापड़ हो, पकौड़े हों तो और अच्छा है, लड्डू खाते हैं भैरव बाबा, तो इन सब चीज़ों को देना चाहिए। महीने में एक दिन जो भैरव अष्टमी का दिन आता है उस दिन आप लोग सभी को पूजा करना चाहिए। तो ये मैं आपको जनरल बस पूजा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक बात ध्यान रखिए, अगर भैरव बाबा का को आपने अपने पूजा घर में नीचे स्थापित करके रखा है या फिर तिल की ढेरी पे नारियल के रूप में स्थापित करके रखा है, तो मतलब बाल भैरव की बात कर रहा हूँ, काल भैरव की बात नहीं कर रहा मैं, तो आपको हमेशा उसके नीचे काला कपड़ा बिछा के रखना चाहिए, ठीक है। अब जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसको घर से बाहर कीजिएगा, काले हकीक की माला से कीजिएगा, और जाप 11,000 होना चाहिए रात में। मतलब अगर आप 9 बजे 10 बजे शुरू कीजिएगा तो आपकी मध्य रात्रि तक जाप समाप्त हो जाएगी और रात में ही आपको हवन कर देना है। तो जाप करते समय गूगल की धूप जलाएंगे आप, ठीक है। आपको इसमें तीन तरह का दीपक जलाना है। एक दीपक आपका सरसों तेल का रहेगा, दूसरा दीपक आपका चमेली के तेल का रहेगा, तीसरा दीपक जो है तिल के तेल का रहेगा। ये तीनों दीपक जला लेंगे, गूगल का आप धूप करेंगे और उसके बाद जाप करेंगे दक्षिण की तरफ देख के। मंत्र है ओम भैरवाय वं वम वम हाम छौम नमः। ओम भैरवाय वम 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 हाम छौम नमः। फिर से सुनिए, ओम भैरवाय वम 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 हाम छौम नमः। ये भैरव जी का बहुत ही प्रतापी मंत्र है और इसको सिद्ध करना और भैरव बाबा का अगर जल्दी कृपा चाहिए तो इसको कम से कम 8 भैरव अष्टमी करना चाहिए। अच्छा, भैरव जी का जो दिन है उस दिन जब हवन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि बलि में मतलब बलि अगर नहीं कर सकते हैं आप, तो आप जो हवन करेंगे, हवन कैसे करेंगे, तो तिल, गूगल और लौंग मिला करके, उसके अलावा जो नारियल आता है सूखा उसमें बराबर में आप मदिरा भरेंगे, मधु भरेंगे और घी भरेंगे, उससे कम से कम 11 आहुति पढ़नी चाहिए। उसके बाद कहीं से मतलब खरीद करके लाइए एक बकरे का पूरा कलेजा, उसको और मछली छोटा वाला उसको हवन में देते हैं और अंत में कारण चढ़ाते हैं 3 बार। कारण चढ़ाने का मंत्र मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो इस बार का बहुत ही स्वीट एंड सिंपल मंत्र आप कर लीजिए। भैरव अष्टमी आ रही है, अभी 3-4 परसों है भैरव अष्टमी की रात। अच्छा से भैरव बाबा का पूजा कीजिए और बहुत सारा आप लोगों को आशीर्वाद मिले, ऐसे मेरी कामना है। भूत प्रेतों के बारे में जानना है तो आपको पता है मेरी किताब खरीद लीजिए, मैं हमेशा प्रचार करता हूँ। मुझसे डायरेक्ट बात करना है तो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, ये गूगल और ऐप स्टोर एप्पल दोनों पे है। उसमें आप सर्च करके रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, बहुत अर्जेंट तो ही बात करिए, या बहुत ही आप लाचार हैं तब बात कीजिएगा। आप सभी को आदेश आदेश, भैरव बाबा आप लोगों पर कृपा करें। आदेश आदेश।